so mother's education and child's health what is the influence of mother's education on her child's health so for every one year increase in the education of women of reproductive age child mortality decreases by 9.5% abdeke agar ek ek saal ki ka ki par asar par raha hai, education के जो फैक्टर है उसमें हम बच्चियों की मदद करें यानी ये बात दुरुस्त है कि अगर एक बच्चे को तालीम दी जाएगी तो एक ही इंसान की तालीम है लेकिन लेकिन अगर एक बच्ची को तालीम दी जाएगी तो पूरे ख़ानदान को तालीम दी जाएगी तो फिर हम देखते हैं कि मेटरनल एजुकेशन इज़ की डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ सर्विसज यूटिलाइजेशन हेल्पिंग टू बास्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड टू एम्पावर वीमेन टू मेक डिसीशंस कंसर्निंग देयर एंड देयर चिल्ड्रेंस हेल्थ अब बच्चियों की तालीम से क्या फ़र्क़ पड़ता है पहला फ़र्क तो ये पड़ता है कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रख सकती हैं उनकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होती है फिर ये कि वो अपनी सैनिटेशन का हाइजीन का अपने प्रजेंटेबिलिटी का ख्याल रख सकती हैं जो कि गैर तालीम याफ़्त बच्चियाँ नहीं कर सकती फिर ये कि जब वो अच्छी तालीम हासिल करेंगी हो सकता है वो अच्छे करियर में भी आए और फिर उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बेहतर हो और फिर वो अपने डिसीशंस भी ले सकें और डिसीशंस वो किसके बारे में लेंगी अपने और अपने बच्चों की तरबियत के बारे में कि माली मामल कैसे मैनेज करने हैं बच्चों को कैसी गज़ा की ज़रूरत है और ये कि बच्चे कब और कैसे पैदा होना चाहिए कम अज़ कम कुछ डिसीशन्स वो वहाँ भी ले सकती हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैटिस्टिक हाउस होल्ड एंड केयर वर्क विद इन देयर होम्स सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो हाउस कोर्स हैं वो ज़्यादातर खातन ही करती हैं और जो ख़ीन कर रही हैं वो जाहिर है अनपेड जॉब है तो उसको कुछ इतना तस्लीम भी नहीं किया जाता लेकिन एक बर्डन तो उनके ऊपर है मतलब जिम्मेदारी तो उनकी है हम इसको बर्डन नहीं समझ सकते लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो वो है पर मर्दों के मुकाबले में अनपेड जॉब जिसको हम कहते हैं वो खुतिन की ज्यादा है अस्टडी एकरेशन रिपोर्टेड मोर देन थ्री टाइम्स एज मच अनपेड के वर्क एज मैन एंड इन कम्बोडिया इंडिया माली एंड पाकिस्तान दे स्पेंट एट लीस्ट टेन टाइम्स एज मैनी आवर्स एज मैन ऑन अनपेड केयर वर्क तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो केयर वर्क है यानी बच्चों को पालना ये माएँ ही करती आप टू थर्ड इसको कह लें तीन गुना भी कह सकते हैं इतना ज्यादा जो केयर वर्क है सिर्फ माएँ करती हैं बाप का उसमें कोई हिस्सा नहीं तो अब जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की लो इकोनॉमिक स्टेटस की तो उसके साथ साथ उस वर्किंग आवर्स की भी तो बात करेंगे केयर वर्क की भी तो बात करेंगे जो बच्चियाँ या ख़ीन जो हैं वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर अब ये जो हाउस होल्ड कोर्स हैं ये भी आ, बच्चों के सेहतमंद होने और माओ की सेहत को सही रखने में भी ये भी किरदार अदा करते तो हम ये समझते हैं कि अगर ख़वान को तालीम दी जाएगी तो वो अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकती हैं घर में और घर से बाहर कुछ भी वो कोई एक्टिविटी करेंगी कम से कम वो जो दो तीन गुना काम ज़्यादा कर रही हैं उसको वो पेड़ बना सकती हैं उस पर वो अपने अपने आप को मैनेज कर सकती हैं अपने करियर को मैनेज कर सकती हैं और इस तरह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या सरगर्मियाँ हैं वो आने वाली बेहतर नस्लों के लिए मुफीद हो सकती हैं तो अब सोचने की बात यह है कि तालीम सिर्फ़ और सिर्फ किसी अच्छे करियर के लिए ही नहीं हासिल की जाती एक बेहतर हाउस होल्ड के लिए भी की जाती है जिसको अच्छी एजुकेशन से रिड्यूस भी किया जा सकता है उसकी क्वालिटी भी बढ़ाई जा सकती है और जो बच्चों का ध्यान या ख्याल या केयर वर्क है उसको भी क्वालिटी बनाया जा सकता है अब एजुकेशन ही माओं को साफ सुथरा रहने हाइजीन के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखने न्यूट्रिशन के लिए कब बच्चे को कौन सी ग़ा देनी है कैसी देनी है ये फैसले करने में मदद कर सकती है वो माएँ जो सिरे से ही दूसरों पर डिपेंडेंट हैं और जिन्हें कुछ अपने मसाइल का और बच्चे के मसाइल का इल्म भी नहीं है वो कभी भी बच्चे की तरबियत दुरुस्त नहीं कर सकती